Right. Student, please be very attentive and careful here. क्योंकि यहाँ पे बॉनवेल और डोरेमन काम नहीं करेगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से बंदा प्रैक्टिकल होके समझना, समझ में आराम से आएगा। तो सुनो, जो टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे एक्सचेंज रेट है वो ना दो टाइप में डिवाइडेड है, दो तरीके से। कौन कौन से? एक हमारे पास होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ठीक है, एक क्या होता है, एक होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट, समझ में आता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सर रियल एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो दो एक्सचेंज रेट टाइप होगा स्टूडेंट हमारे पास, कौन कौन से? नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट, दो टाइप्स हो गए। अब ध्यान समझना है स्टूडेंट्स, नॉमिनल एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? नॉमिनल एक्सचेंज रेट का मतलब होता है जब मैं एक्सचेंज रेट को इन मॉनेटरी टर्म्स इवेल्युएट करता हूं, जब मैं एक्सचेंज रेट को इन मॉनेटरी टर्म्स इवेल्युएट करूंगा तो उसे क्या बोलेंगे? उसे नॉमिनल एक्सचेंज रेट बोलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहा नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है? इट रेफर्स टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ, इट रेफर्स टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अदर करेंसी, ठीक है। तो जो भी अदर करेंसी है, जो भी अदर करेंसी है, उस अदर करेंसी की मॉनेटरी वैल्यू को स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे? उस अदर करेंसी की मॉनेटरी वैल्यू को नॉमिनल एक्सचेंज रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉमिनल एक्सचेंज रेट, समझ में आता है। चलो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर दो, अगर मैं एग्जाम्पल बोलूं सुरेंद्र, जो अभी अभी आपने पढ़ा था वही तो एग्जाम्पल था। क्या सर? इसका मतलब ये था कि जो वन पाउंड है, वन पाउंड इक्वल्स टू हाउ मच? वन पाउंड इक्वल्स टू से अप्रोक्सीमेटली रुपी 100, और वन डॉलर यूएस डॉलर इक्वल टू कितना? इक्वल टू रुपी 70. So, student, this is what? This is something called nominal exchange rate, because we are expressing the value of British pound and US dollar in terms of Indian rupee, right? What we are doing? See carefully. We are expressing the value of pound, British pound and US dollar in terms of Indian rupee. So, the value of one US dollar in terms of Indian rupees 70, then this 70 rupees are nothing but what? It is nominal value of that currency, means nominal exchange rate of that currency. Okay, are you getting my point? So this is the whole idea. Now students, now आपको लग रहा होगा बार बार मैं बोल रहा हूं पाउंड, तो पाउंड ही बोल देता, मैं ब्रिटिश पाउंड एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं, मैं यूएस डॉलर क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं? स्टूडेंट्स, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं बिकॉज देयर आर मेनी कंट्रीज जिनके पास क्या है, जिनके पास डॉलर जो है उनकी करेंसी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएसए के पास ही डॉलर, स्टूडेंट जो डॉलर है वो अदर कंट्रीज के पास भी है, ठीक है। जैसे कि किसके पास? होपफुली आपको पता होगा कनाडा के पास भी है, ठीक है, आपको पता होगा कनाडा के पास भी है, इसके अलावा न्यूजीलैंड के पास भी है, ठीक है, इसके अलावा आपके जैसे सिंगापुर है, सिंगापुर के पास भी है, ठीक है। सिंगापुर के अलावा क्या है? सिंगापुर के अलावा अगर हम बात करते हैं तो जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे के पास भी डॉलर है। तो मतलब ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जिनके पास क्या है, जिनके पास डॉलर है। सिमिलरली अगर मैं पाउंड की बात करता हूँ स्टूडेंट, तो पाउंड इजिप्ट है, इजिप्ट की कंट्री जो है, इजिप्ट कंट्री जो है उनके पास भी पाउंड है, इजिप्शियन पाउंड बोलते हैं उसको, ठीक है। इसके अलावा जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर भी एक कंट्री है जिसकी करेंसी पाउंड है, ठीक है। इसके अलावा लेबनान कंट्री है, उसके पास भी पाउंड ही है। इसके अलावा साउथ सूडान है, उनकी कंट्री भी पाउंड है। सीरिया है, उनकी कंट्री भी करेंसी भी जो है पाउंड है। सो मतलब
बहुत सारी कंट्रीज है जिनके पास पाउंड एज अ करेंसी है, ऑफिशियल करेंसी के तौर पे उनकी पाउंड है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट हम यहाँ पे बात किसी कर रहे हैं ब्रिटिश पाउंड की, इसे हम स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि सिर्फ पाउंड बोल देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सामने वाले के माइंड में क्या जाएगा, सामने वाले के माइंड में एक बात है, जैसे एग्जाम्पल हो कंफ्यूजन हो जाएगी, जैसे आपकी मदद में क्या करा, आपको बोला जा मार्केट से चीनी लेके आ, मैंने कहा ना इसको क्या मानो, गुड या सर्विस, आपकी मदद में आपको बोला जाके मार्केट से चीनी लेके आ। अब एग्जांपल हो सकता है कि आपकी मदद ऑप्टनली एक ही शॉप पे विजिट करती है, ठीक है, आपको उसी से बोला गया था चीनी लाने को, लेकिन आप किसी और से ले आए जिसकी क्वालिटी हो सकता है डिफर हो, जिसकी क्वालिटी है वो चीनी लेकिन क्वालिटी डिफर हो सकती है। आप घर पहुंचे मैंने कहा मैंने तेरे को चीनी लाने के लिए बोला था तो ये क्या लेके आया, तो आपने बोला चीनी के लिए बोला तो चीनी लेके आया, तो तू उससे लेके नहीं आया, मैंने कहा आपने मेंशन नहीं किया था, आपने कहा था सिर्फ चीनी लेके आया, आप मुझे मेंशन करते तो मैं उसी शॉप से लेके आता। स्टूडेंट ये मेंशन होना स्पेसिफाई से जरूरी है, मैं अगर आपसे पाउंड की बात कर रहा हूं, मैं आपसे डॉलर की बात कर रहा हूं, तो हो सकता है ना कि आपके माइंड में परसेप्शन चल रहा हो कि सर डॉलर तो बोल रहे हैं, कौन सा, कोई भी डॉलर हो सकता है, वो तो जिम्बाब्वे डॉलर, हम तो बहुत स्ट्रॉन्ग है जिम्बाब्वे डॉलर से, पर हमारी करेंसी जिम्बाब्वे की करेंसी के अकॉर्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में आपको लगेगा हम तो बड़े अमीर हो गए। तो स्टूडेंट ये स्पेसिफाई होना जरूरी है, तो वेन एवर यू आर यूजिंग एनी डिनोमिनेशन ऑफ फॉरेन करेंसी तो प्लीज यूज इट स्पेसिफिकली कि आप किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट क्या हो गया, दिस इज ऑल अबाउट नॉमिनल एक्सचेंज रेट। अब स्टूडेंट चलो ये तो समझ में आ गया, अब आपके और मेरे डे टू डे लाइफ में इसका इतना रोल समझ में नहीं आता, ठीक है। जो भी आज मैं मॉर्निंग उठा, मैंने अपना बेड कंजम्पशन किया, एग्स खाए, ठीक है, दिन में लंच कर लिया, इतना मुझे समझ में नहीं आता कि डॉलर का रेट, यूएस डॉलर का रेट क्या चल रहा है, ब्रिटिश पाउंड का रेट क्या चल रहा है, ठीक है ना, मुझे इतना ज्यादा ये इफेक्ट करता, ठीक है, ये ना मुझे इतना ज्यादा इफेक्ट कर रहा, अनलेस एंड अंटिल मैं बहुत कोई मेजर ट्रांजेक्शन यूएसए के साथ या ब्रिटेन के साथ या किसी और देश के साथ, जिसके साथ भी करना चाहता हूं, मैं नहीं कर रहा, तब तक ये मुझे उतना ज्यादा बॉदर नहीं करता। लेकिन सूरत व्हाट इफ आप यूएसए घूमने जाना चाह रहे हो, व्हाट इफ आप अपनी पढ़ाई के लिए फर्दर स्टडीज के लिए यूके जाना चाह रहे हो, व्हाट इफ आप अपनी फर्दर रिसर्च के लिए जर्मनी जाना चाह रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, अब आप अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में इमिग्रेट होना चाहते हो। इस केस में डेफिनेटली द मोर इंटरेस्टिंग थिंग विच यू विल वॉन्ट टू नो इज सर व्हाट विल बी द रेट ऑफ दिस गुड those countries, ठीक है, ये मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग फॉर मी। मुझे ये बताओ $1.70 का है मैंने मान ली, $1.100 का है मैंने ये भी बात आपकी मान ली, लेकिन इससे ज्यादा मुझे अब ये इंटरेस्ट आएगा जानने में, क्योंकि मैं वहां पे जा रहा हूं, मैं यूएस से जा रहा हूं, मैं यूके जा रहा हूं, मुझे ये इंटरेस्ट ज्यादा आएगा जानने में कि अगर मैं यहां पे 1 BHK के अपार्टमेंट को 8,000 के रेंट पे लेता था तो मुझे वो वहां पे कितने थाउजेंड में मिलेगा, ठीक है, मतलब कितने थाउजेंड डॉलर में मिलेगा, ठीक है, या कितने $100 मिलेगा, तो जो मर्जी हो, राइट, आपको ये इंटरेस्ट आएगा। $1.70 का है वो तो कोई भी कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन मुझे अब इंटरेस्ट आएगा कि ये शूज मैं इंडिया में पहनता था, ये वॉच मैं इंडिया में लेता था, तो मुझे ये वॉच 4500 की मिलती थी, लेकिन यही वॉच मुझे वहां पे कितने की मिलेगी, दैट इज नाउ मच एंड मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर मी, राइट टू अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट अब आपका रोल आता है किसका, अब आपका रोल आ जाता है आपके रियल एक्सचेंज रेट का, ठीक है, अब किसका रोल आया, अब आया रियल एक्सचेंज रेट का। तो बात करते हैं कि रियल एक्सचेंज रेट है क्या। सो अब यहां पे ना यहां से आपको ध्यान से समझना है, मैं इसी चीज को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, वहां पे हमने पढ़ा अभी दैट $1 इक्वल टू ₹70, इजंट इट, हमने क्या पढ़ा दैट $1 इक्वल टू ₹70, ठीक, अदर वे मींस ₹70 इक्वल $1। मान लो स्टूडेंट्स जस्ट फॉर इंस्टेंस फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ओनली, अगर मान लो इसको 70 की जगह क्या करते हैं, 70 की जगह फॉर टू मेक आर कैलकुलेशन इजियर, इसको एक काम करते हैं,
इसको हम कितना मान लेते हैं, से फॉर एग्जाम्पल इसको मानते हैं 60, ओके ठीक है सुन, जस्ट टू मेक अ कैलकुलेशन इजी, ठीक है हम अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए कर रहे हैं। तो आपने कहा सर 60 रुपीज, I spent rupees 60 in India. By spending rupees 60 in India, what I can get? I can get say 3 plates of momos. Okay. आपने कहा सर अगर मैं अपने 60 रुपीज को इंडिया में स्पेंड करता हूं तो इस 60 रुपीज को इंडिया में स्पेंड करके मुझे क्या मिलता है, मुझे 3 प्लेट मोमोस मिल जाते हैं, ठीक है ये इंडिया का रेट हो गया। अब अगर स्टूडेंट हम यहां पे बात करें यूएसए की, जस्ट फॉर इंस्टेंस कि बाय स्पेंडिंग योर $1, बाय स्पेंडिंग योर $1 यू आर गेटिंग व्हाट, यू आर गेटिंग ओनली 1 प्लेट ऑफ मोमोस, व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग 1 प्लेट ऑफ मोमोस। स्टूडेंट दोबारा से सुनो और ध्यान से समझो, अगर मैं कहता हूं कि स्पेंडिंग रुपीज 60 और 60 को स्पेंड करके आपको क्या मिल जाए, इंडिया में 3 प्लेट मोमोस मिल रहे हैं, ठीक है अगर वही डॉलर अगर आप यूएसए का मतलब वही चीज यूएसए में खरीदना चाहो तो यूएसए में $1 स्पेंड करके आपको कितना मिल रहा है, 1 प्लेट ऑफ मोमोस मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 प्लेट मोमोस, जो 3 प्लेट मोमोस है ऑफ इंडिया, ठीक है ऑफ इंडिया इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू 1 प्लेट ऑफ मोमोस इन यूएसए, ठीक है इंडिया के 3 प्लेट मोमोस बराबर हो गए किसके, मोमोस किसके, यूएसए के, विच गिव्स अस व्हाट, होपफुली आपने स्टूडेंट्स ये कॉपी कर लिया होगा, ठीक है तो विच गिव्स अस व्हाट, विच सिंपली गिव्स अस, ओके विच सिंपली गिव्स अस कि जो यूएसए है इज कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव, ठीक है व्हाट वी कैन कंक्लूड बाय दिस, वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज एक्सपेंसिव, मोमोस आर एक्सपेंसिव यूएस वाइल इन इंडिया इट इज चीप, है ना इंडिया में वो क्या है चीपर है, जबकि क्योंकि देखो 3 प्लेट मोमोज इक्वल टू रुपीज 60 इक्वल टू $1 इक्वल टू व्हाट, $1 इक्वल टू 1 प्लेट मोमोज, सो इन दिस वे वी कैन से दैट 3 प्लेट ऑफ मोमोज इक्वल टू 1 प्लेट ऑफ मोमोज, ठीक है दिस इज इन यूएसए एंड दिस इज इन इंडिया, सो व्हाट वी कैन सिंपली से दैट मोमोज आर चीपर इन इंडिया, मोमोज आर चीपर इन इंडिया व्हाइल दे आर एक्सपेंसिव इन यूएसए, ठीक है यहां तक की बात होपफुली सुन समझ में आई होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो चीज हमने कैलकुलेट करी ये इसी को कहते हैं रियल एक्सचेंज रेट। तो रियल एक्सचेंज रेट का मतलब होता है सेम अमाउंट ऑफ मनी को स्पेंड करके हाउ मेनी बास्केट ऑफ गुड्स आई कैन बाय इन अदर नेशन, मतलब बाय स्पेंडिंग द सेम अमाउंट, मैं सेम अमाउंट को स्पेंड कर रहा हूं क्योंकि आपने आपका सर नहीं वहां डॉलर है, माना डॉलर है लेकिन डॉलर किसके बराबर है, 60 के बराबर है, तो मैंने यहां भी 60 खरीदे खर्चे और एक तरीके से वहां भी 60 ही खर्चे क्योंकि 3 प्लेट मोमोस इक्वल्स टू 60 एंड रुपीज 60 इक्वल्स टू $1 मीन्स मैंने एक्सपेंडिचर सेम किया लेकिन मेरे एक्सपेंडिचर सेम होने पर भी जो बास्केट ऑफ गुड्स मुझे मिले उनमें वेरिएशन आ गई। वेरिएशन कैसे आ गई, क्योंकि एक जगह जो मुझे बास्केट ऑफ गुड्स मिले वो क्या मिल गए, ज्यादा, एक जगह जो मुझे बास्केट ऑफ गुड्स मिले वो क्या मिल गए, कम। सो दैट इज द होल आइडिया स्टूडेंट, ये क्या है, दैट इज द होल आइडिया ऑफ रियल एक्सचेंज रेट, ठीक है। अब इससे पता क्या चलता है, अगर स्टूडेंट 3 प्लेट ऑफ मोमोस इंडिया में सस्ते हैं, ठीक है मतलब इस तरीके से ये चीज शो करता है कि इंडिया में चीजें क्या है सस्ती, अगर इंडिया में चीजें सस्ती है तो इट विल ट्रिगर योर एक्सपोर्ट्स, है ना
आपके देश में सामान सस्ता है तो आपके एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोगों भाई यूएसए के लोगों को लगेगा कि भाई इंडिया से मोमोज, मतलब यहां से मोमोज लेके क्यों खाना। सो ऑफ कोर्स मोमोज तो आप एक्सचेंज नहीं करते, जस्ट फॉर इंस्टेंस एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि देयर आर सेवरल थिंग्स जो यहां से एक्सपोर्ट की जाती है यूएसए के लोगों को और वर्ल्ड के बहुत सारे लोगों को, क्योंकि यहां पे वो चीजें सस्ती है उनके देशों से, तो उनको वहां पे मंगवाना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान और ज्यादा सस्ता पड़ जाता है। ठीक है, तो इससे इंडिया के एक्सपोर्ट क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, जबकि यूएसए के इंपोर्ट क्या होंगे स्टूडेंट, इंपोर्ट यूएसए के फॉल कर जाएंगे। एंड इन दिस वे रियल एक्सचेंज रेट हेल्प्स टू डिटरमिन एक्सपोर्ट्स and imports of a nation. Okay students, in this way real exchange rate helps to determine exports and imports of a nation. इस तरीके से real exchange rate से क्या होता है, एक देश का export import क्या होते हैं decide हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इस चीज को बता देता है कि ultimately जो आपकी country है दूसरी country के terms में महंगी आ रही है या फिर कंपेटिटिव क्या आ रही है, सस्ती आ रही है। और स्टूडेंट इसी को हम बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एक्सचेंज रेट इज नथिंग बट नोन एज परचेजिंग पावर पैरिटी। क्या बोलते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, कि आप सेम अमाउंट को स्पेंड करके दूसरी कंट्री के अंदर कितने बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर सकते हो। तो स्टूडेंट ये हो गया रियल एक्सचेंज रेट एंड नॉमिनल। अब अगर हम बात करें इसके फॉर्मूला की स्टूडेंट, के इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला की बात कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। तो अगर मैं आपसे फॉर्मूला की बात करूं तो फॉर्मूला इज रियल एक्सचेंज रेट इक्वल्स टू में क्या होता है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, जो भी आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, इनटू में प्राइस ऑफ जो भी आपके फॉरेन के गुड्स है पीएफ और प्राइस ऑफ डोमेस्टिक। ठीक है, यहां मैं एक देता हूं डी, ये डोमेस्टिक प्राइसेस को शो करेगा, पीएफ शो करेगा किसको, फॉरेन प्राइसेस को। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है हमने कहा नॉमिनल एक्सचेंज रेट कितना है। सर नॉमिनल एक्सचेंज रेट था हमारे पास कितना, 60 था ना, ओके, इंटू में प्राइस इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी के टर्म्स में कितना प्राइस था, फॉरेन करेंसी के टर्म्स में जो प्राइस था वो था $1 स्पेंड किया था हमने, और हमने कहा था बाय स्पेंडिंग आर रुपीज 60 वी आर गेटिंग 3 प्लेट्स ऑफ मोमोज, दैट मींस 1 प्लेट ऑफ मोमोज इक्वल टू रुपीज 20। तो मतलब यहां पे डोमेस्टिक करेंसी में प्राइस कितना है 20, वो गिव्स अस अ वैल्यू ऑफ 3, मींस रियल एक्सचेंज रेट इक्वल्स टू व्हाट, रियल एक्सचेंज रेट वुड बी इक्वल टू स्टूडेंट्स 3, रियल एक्सचेंज रेट वुड बी इक्वल टू व्हाट, रियल एक्सचेंज रेट इक्वल्स टू 3। तो स्टूडेंट्स इट मींस व्हाट, व्हाट दिस 3 इज डिनोटिंग, 3 हियर डिनोट्स the amount of goods which you are getting in India, ठीक है, by changing the same price in USA, इंडिया में तुम कितना स्पेंड करके कितना ऑप्टेन कर रहे हो, सेम वहां पे आप वहां पे कितना ऑप्टेन करोगे। आरियर थ्री होने का मतलब है कि जितना भी तुम सेम वहां पे स्पेंड करोगे उससे 3 टाइम ज्यादा तुम सेम अमाउंट स्पेंड करके अपनी होम कंट्री के अंदर क्या कर सकते हो, ऑप्टेन कर सकते हो। ये इस बातों का करता है, सिग्निफाई करता है। आप ऊपर के एग्जांपल में मैंने अभी आपको समझाया था कि 3 प्लेट बर्गर आए थे, वहां पे सिर्फ 1, मतलब बाय स्पेंडिंग योर सेम अमाउंट, अपना सेम अमाउंट स्पेंड करके यू आर गेटिंग 3 टाइम्स मोर देन फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब्रॉड से 3 गुना तुमको ज्यादा मिल रहा है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कॉन्सेप्ट किसके होते हैं, रियल एक्सचेंज रेट के और फिर नॉमिनल एक्सचेंज रेट के। ठीक है, अब स्टूडेंट हमें यहां पर एक बात समझनी है, अब क्योंकि हमने ये पढ़ा कि जो हमारी रुपीज 60 है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू $1। अभी हमने यही पढ़ा कि रुपीज 60 इक्वल्स टू $1। अगर स्टूडेंट्स अगर सेम सिनेरियो चलता रहा कि यहां पे आप 3 प्लेट्स ऑफ मोमोस खरीद रहे हैं, जबकि यहां पे आप कितना ले पा रहे हैं, 1 प्लेट ऑफ
momos, which makes momos expensive in USA. जब momos USA में expensive हो जाएंगे, तो इसका मतलब है जो US के लोग होंगे, वो क्या करेंगे? They will demand more for momos in India. वो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा अपनी spending जो है, वो direct कर देंगे कहाँ पे? India में. कहिए भैया हमारे यहाँ तो महंगा मिल रहा है, तो महंगा हम क्यों कंज्यूम करें? जब हमें सस्ता मिल सकता है, सेम अमाउंट को स्पेंड करके हमें ज्यादा यूनिट मिल सकती है, तो वी विल डेफिनेटली गो ना बाय मोर नंबर ऑफ यूनिट्स. तो इससे क्या होगा स्टूडेंट, वो जो $1 है वो क्या होगा, वो वहां से स्पेंड होने के लिए कहां पे आ जाएगा? उसकी डायरेक्शन अपने देश में स्पेंड होने की जगह हमारे देश में आएगी. जिससे क्या होगा, जिससे कि डिमांड फॉर मोमोस इन इंडिया बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पे लोगों को सस्ता मिल रहा है तो लोग यहां से ज्यादा खरीदेंगे, जबकि यहां पे लोगों को महंगा पड़ रहा है तो वो नहीं खरीदेंगे. मीन्स यहां पर डिमांड फॉर जो मोमोज है, डिमांड फॉर मोमोज है, वो क्या करेगा? फॉल कर जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट अभी तक हमने आपको क्या समझाया, जस्ट टेक इट एज कमोडिटी. आप कमोडिटी के तौर पे लो, किसी चीज के डिमांड के बढ़ने पे उसके प्राइसेस क्या क्या होता है सर? जब जो लोग ज्यादा खरीदेंगे, हाँ लोग जब ज्यादा खरीदते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल सही सोच रहे हो कि लोगों के ज्यादा खरीदने पे किसी भी चीज के प्राइसेस क्या करते हैं? प्राइसेस बढ़ जाते हैं, राइट? जबकि क्योंकि फॉरेन में, मतलब यूएस के अंदर क्या हो रहा है, यूएस के अंदर ये लोग डिमांड कम कर रहे हैं, तो जो फॉरेन प्राइसेस हैं वो क्या हो जाएंगे सर? वो तो कम हो जाएंगे, है ना स्टूडेंट? यही होगा. अब अगर ऐसा होगा, अगर प्राइसेस ऐसे बढ़ जाएंगे, इसके पैसे वैसे खर्च जाएंगे, तो प्राइसेस बढ़ने से इवेंचुअली क्या होगा, इनका एक्सपोर्ट ग्रेजुअली फॉल करने लगेगा, इनका जो इंपोर्ट है वो क्या करने लगेगा, कम होने लगेगा, क्योंकि अभी ये लोग ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं. जब यहाँ पे प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ये कहेंगे यार फायदा ही नहीं रहा आपको, क्योंकि चीजें क्या हो रही है, महंगी मिल रही है, तो अब हम क्या खरीदेंगे, अब हम कम खरीदेंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से एडजस्टमेंट जो है शुरू होता है. कैसे? देखो समझो, अभी आपने पढ़ा कि आपका रियल एक्सचेंज रेट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो है नॉमिनल एक्सचेंज रेट इंटू में फॉरेन प्राइसेस अपॉन में डोमेस्टिक प्राइसेस. अब यहां पे हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, अब यहां पे हो ये रहा है कि जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी के अंदर एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है, क्योंकि आप फ्यू, मतलब मोर एंड मोर डॉलर्स आर चेसिंग फ्यू रुपीस, क्योंकि वहां से डॉलर यहाँ पे आपके देश में इन्वेस्ट होके क्या हो रहा है, आपके देश में आ जा रहा है. तो आपके देश में आएगा तो उससे क्या होगा, आपके देश में एक्सपोर्ट्स तो बढ़ेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा जब इंक्रीज डिमांड की वजह से आपके प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे, और वहां पर डिक्रीज डिमांड की वजह से प्राइसेस क्या हो जाएंगे, प्राइसेस कम होने लग जाएंगे. ठीक है, इससे क्या होगा, मतलब यहां पे प्राइसेस कम हो रहे हैं, यहां पे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और नॉमिनल एक्सचेंज रेट भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सोच के देखो, जब वहां से ज्यादा यहां पे आएगा डॉलर, मैंने क्या माना, मैंने कहा कि डॉलर को गुड मानो, तो कोई भी गुड आपके देश में जब ज्यादा होगा, गुड ज्यादा है, तो जब कोई चीज ज्यादा होती है तो उसके प्राइसेस घटते हैं, बढ़ते हैं सर? जब कोई चीज ज्यादा होती है तो उसके प्राइसेस घट जाते हैं, मतलब नॉमिनल एक्सचेंज रेट भी फॉल करेगा. आप नहीं समझे, दोबारा समझो. सैनिटाइजर एंड मास्क, COVID-19 इनिशियली नहीं थे अवेलेबिलिटी, बहुत प्राइसेस बढ़ गए थे. एक एक मास्क जिसको हम इंडियंस ने कभी तक कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, इंडिया ने इतनी ज्यादा कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी मास्क और सैनिटाइजर के को लेकर के. ठीक है, हम लोग कहते हैं देसी लोग, हम देसी ही ठीक है, हम वैसे लाइफ स्टाइल में खुश थे अपना, ज्यादा मास्क और ज्यादा सैनिटाइजर जैसी चीजों को हम यूज नहीं करते थे. ठीक है, अगर बहुत एक्सट्रीम हो गया तो भाई अपने घर में अपने हैंड वॉश वगैरह रखे, अपने हाथ धो लिया, ठीक है बात कर लिए, हमारा काम चल रहा था. ऐसा नहीं था कि भैया जेब में सैनिटाइजर लेके हो
ये तो बहुत गंदा है, ऐसे हमारी ट्रेड तो है ही नहीं और ना मुझे लगता आगे भी रहेंगे जब तक ये पेंडेमिक है, तब तक थोड़ा हम लोग भी कॉपरेट कर रहे हैं अपने आप से, क्या ही हो सकते हैं, मजबूरी हमारी भी, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि उस टाइम पे मास्क सैनिटाइजर नहीं थे, जब मास्क सैनिटाइजर नहीं थे, अवेलेबिलिटी कम थी तो प्राइसेस बहुत ज्यादा थे। फिर क्या हुआ, लोगों को समझ में आया दिस इज अ गुड बिजनेस, ये एक अच्छा बिजनेस है। तो उस अच्छे बिजनेस के लोगों ने क्या किया, हर पर्सन ने अपने घरों में, हाउस होल्ड ने क्या किया, अपने बैकयार्ड में, अपने घरों में किसी भी फॉर्म्स में सैनिटाइजर्स और मास्क की प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी। अब सुनो, जब उन्होंने मास्क और सैनिटाइजर को प्रोड्यूस करना शुरू किया तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में अबंडेंस हो गया और अबंडेंस की वजह से रेट क्या हो गया, फॉल। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं, जब डॉलर इंडिया में आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा बाय द मीडियम ऑफ एक्सपोर्ट्स, तो उससे क्या होगा, उससे आपका नॉर्मल एक्सचेंज रेट क्या करेगा, फॉल कर जाएगा। राइट स्टूडेंट, होपफुली यहां तक की बात आई। अब बात यह आती है कि कितना फॉल कर जाएगा, क्या रेट होगा। देखो सर, ध्यान से लगना है आपको, है ना। अब हमें यहां पे एक बात तो समझ में आ गई, हमें यहां पे एक बात तो समझ में आ गई कि अगर एक कंट्री के अंदर एक कंट्री सस्ती है दूसरी कंट्री से और उन दोनों के टर्म्स ऑफ ट्रेड अच्छे हैं तो सिचुएशन क्या हो सकती है। तो अगर हम इस चीज को देख रहे हैं तो आरईआर क्या शो कर रहा है, एनईआर भी फॉल करेगा, प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स जो है वो भी फॉल करेंगे। अब ये कब तक फॉल करेंगे, ये भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये फॉल करते हैं अंटिल, कब तक फॉल करेंगे, अंटिल योर आरईआर, अंटिल योर आरईआर इक्वल्स टू वन, कब तक फॉल करेंगे, सही है, तब तक फॉल करेंगे जब तक आरईआर वन ना हो जाए। नाउ हियर कम्स अ क्वेश्चन दैट व्हाट डस आरईआर इक्वल वन मींस, ठीक है, कि सर अगर हमारे पास रियल एक्सचेंज रेट वन हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा। स्टूडेंट्स रिकॉल द कॉन्सेप्ट दैट आई अर्लियर टॉट यू, आई earlier told you that RER is what? RER means how many rupee you are foregoing to buy a basket of goods in your domestic currency, and with the same number of currency, how many goods you can buy in foreign country. This was the concept. So RER 3 tha, to wo kya signify kar raha tha, that you can buy 3 times more, right, in India than in US. ठीक है, नाउ आरईआर इज वन। सो अब क्या करना है स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ आरईआर वी विल ट्राई टू कैलकुलेट आर एनईआर, विद द हेल्प ऑफ आरईआर वी विल ट्राई टू कैलकुलेट आर एनईआर, क्योंकि अब ये प्रोसेस पूरा कब तक चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक कि आरईआर वन ना हो जाए। चलो अब स्टूडेंट्स यहां पे इसको आपने ध्यान से देख लिया, जो मैं समझा रहा हूं, देखो आरईआर जो वन है वो क्या इंडिकेट करेगा। स्टूडेंट्स बी वेरी केयरफुल एंड अटेंटिव, ठीक है, यहां हमने लिखा रुपी, यहां हमने लिखा डॉलर, ठीक है, और हमारे पास आरईआर क्या है, आरईआर है वन। स्टूडेंट्स आरईआर वन सिंप्लीफाई क्या कर रहा है, दैट वन प्लेट ऑफ मोमोस इन इंडिया, आरईआर क्या शो कर रहा है, दैट विद द हेल्प ऑफ सर्टेन अमाउंट यू कैन बाय वन प्लेट ऑफ मोमोस, एंड दैट टू यू कैन बाय वन प्लेट ऑफ मोमोस इन यूएस एज वेल, वन प्लेट ऑफ मोमोस। आरईआर हैज फॉल डाउन, आरईआर कम हो गया, इसका मतलब है दोनों जगह पे आप क्या करोगे, सेम बास्केट ऑफ गुड्स खरीद पा रहे हो, क्योंकि पहले आरईआर ज्यादा था तो आप अपनी होम कंट्री के अंदर ज्यादा खरीद पा रहे थे, अब आरईआर वन है, एक्सचेंज रेट का रेशियो सेम हो गया है, तो इसका मतलब है सेम अमाउंट आप क्या करेंगे, परचेज कर पाएंगे। होपफुली यहां तक समझ में आया। अब स्टूडेंट्स अभी अभी हमने पढ़ा, क्योंकि अर्लियर केस के अंदर क्या था, अर्लियर केस के अंदर जो मोमोस थे वो इंडिया में कंपैरेटिवली सस्ते थे, तो जिसकी वजह से डॉलर इंडिया में बहुत ज्यादा आया, ठीक है, मींस इंडिया में मोमोस की डिमांड बहुत ज्यादा हुई, मोमोस की डिमांड ज्यादा होने की वजह से मोमोस के प्राइसेस क्या हो गए थे, मोमोस के प्राइसेस बढ़ गए थे, यही हमने पढ़ा था कि भाई प्राइसेस बढ़ गए थे, ठीक है। प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो कहानी शुरू हुई थी वो उल्टी होना शुरू हो गई, क्यों, क्योंकि अब जो एक्सपोर्ट्स थे दे टेंड्स टू फॉल, एक्सपोर्ट्स फॉल होने लगे, क्योंकि यूएसए के लोगों को लगा व्हेन दिस इज
now going to be expensive. Then why we are purchasing from India? जब महंगा ही हो रहा है तो क्यों परचेज करना, जब सस्ता था तब परचेज किया. मतलब पहले हमने ये समझा कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट ने कैसे रियल एक्सचेंज रेट को डिफाइन किया. अब हम ये समझेंगे कि रियल एक्सचेंज रेट से कैसे नॉमिनल एक्सचेंज रेट डिफाइन होता है. ठीक है, ये चीज हमें क्लियर करनी है. अब सुनिए, क्योंकि प्राइस जो थे डोमेस्टिकली बढ़ गए थे, ठीक है, जो डोमेस्टिकली प्राइस थे वो बढ़ गए थे. ठीक है, अर्लियर व्हाट वाज द केस कि बाय स्पेंडिंग रुपीज 60 हाउ मेनी प्लेट्स यू आर हैविंग 3 प्लेट्स, राइट. सो नाउ द प्राइस हैज गोन अप, अ प्राइस बढ़ चुका है. सो सपोजिटली पहले आप 3 प्लेट खरीदते थे, इसका मतलब रुपी 20 पर प्लेट, बट नाउ द प्राइस बढ़ गया. सो अब प्राइस बढ़ के कितना हो गया है, अब प्राइस बढ़ के हो गया से रुपी 30. कितना हो गया, अब हो गया प्राइस पर प्लेट रुपी 30. ये प्राइस हो गया. ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये रुपी 30 क्या इंप्लाय करता है, ये रुपी 30 इस बात को इंप्लाय करता है दैट नाउ यू कैन बाय अ प्लेट ऑफ मोमोस इन रुपी 30 इन इंडिया. ये इंप्लाय करता है. अब होना क्या चाहिए, मतलब स्टूडेंट अब होना ये चाहिए हमारे पास, थोड़ा इसको ऊपर लिखूंगा बस, ये रुपी ये रुपी और ये आ गया हमारे पास डॉलर. ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस बात को इंप्लाय करता है कि रुपी 30 जो है वो स्पेंड होगा तो यहां पे इंडिया में एक प्लेट ऑफ मोमोस आएगा. ठीक है, और वो किसी सर्टेन अमाउंट, मतलब उससे एक्स अमाउंट डॉलर के लिए एक्सचेंज होना चाहिए जो कि सेम बास्केट खरीद सके, कितना, 1 प्लेट ऑफ मोमोस इन यूएसए. समझ नहीं आया, समझो पहले हम क्या कह रहे थे, पहले हम ये कह रहे थे नॉमिनल एक्सचेंज रेट के अंदर कि अगर मैं अपने देश में 60 रुपीज स्पेंड करता हूं तो 3 प्लेट क्या लेके आ पाता हूं, मोमोस. यही 60 जब मैं यूएस में लेके जाता हूं तो मैं एक प्लेट लेके आ रहा हूं, मतलब 60 दो जगह था. अब हम बास्केट ऑफ गुड्स के बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे इंडिया में भी एक प्लेट ही मोमोस खरीदने हैं और यूएस में भी एक प्लेट मोमोस खरीदने हैं. इंडिया में एक प्लेट मोमोस खरीदने के लिए मैं रुपी 30 स्पेंड कर रहा हूं अब. ठीक है, तो हाउ मेनी डॉलर्स आई नीड टू स्पेंड इन यूएसए टू गेट 1 प्लेट ऑफ मोमोस, राइट. पहले हम बात करते एक्सचेंज रेट गिवन था, हम बास्केट निकाले थे, अब बास्केट गिवन है विच इज रियल, एक्सचेंज रेट गिवन है, अब हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट की वैल्यू निकालेंगे. होपफुली आपको समझ में आया होगा. चलो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, समझने के लिए फिलहाल आप ये मान लो कि प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी जो है वो सेम है, एक डॉलर ही है. ठीक है, रियलिटी में देखो चीजें अलग होती है, मैं सिर्फ समझाने के लिए ताकि आपको चीजें कॉन्सेप्चुअली समझ में आए. तो ठीक है, नाउ वी वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस. ठीक है, सो दिस इज वॉट, दिस इज नॉमिनल एक्सचेंज रेट, दिस इज वॉट, दिस इज नॉमिनल एक्सचेंज रेट. स्टूडेंट्स फॉर्मूला हमारे पास क्या था, हमारे पास रियल एक्सचेंज रेट का फॉर्मूला था नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई बाय प्राइस इन फॉरेन कंट्री डिवाइडेड बाय प्राइस इन डोमेस्टिक कंट्री, यही था. सो इसको रीअरेंज करेंगे, सो दिस विल बी लाइक वी हैव टू कैलकुलेट एनआर, सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई पे उधर जाएगा, सो दिस विल बी रियल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई बाय प्राइस इन डोमेस्टिक मार्केट डिवाइडेड बाय प्राइस इन फॉरेन मार्केट. दिस विल बी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नॉमिनल एक्सचेंज रेट. नाउ वी हैव ऑलरेडी given RER equals to 1. So, RER would be 1. Okay. Price in domestic market is 30 and by assumption, price of 1 plate of momos in USA is only 1. So, what it has given to us? That NER equals to what? NER equals to रुपी 30 पर डॉलर, राइट. एनआर इक्वल्स टू रुपी 30 पर डॉलर. सो स्टूडेंट इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट योर नॉमिनल एक्सचेंज रेट विद द हेल्प ऑफ योर
रियल एक्सचेंज रेट, बट दिस इज स्टूडेंट अ थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट. ये जो है दिस इज एंटायरली थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट. ये थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है. थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट क्यों है, अब इस बात को समझो. पहले होपफुली आपको ये पूरी की पूरी बात समझ में आ गई कि किस तरीके से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं. ठीक है, सो मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, यहाँ पे हमारे पास आ गया कि भाई $1. तो मतलब अब जो $1 का एक्सचेंज रेट है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 30. अर्लियर इट वॉज यूज टू बी 60. अर्लियर कितना था, अर्लियर ये 60 था, अभी ये कितना है, अभी ये 30 है. चलो यहां तक की तो सारी बातें क्लियर हो जाती है, समझ में आ जाती है. अब स्टूडेंट इसकी इंप्लीकेशन क्या है, जरा उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं. ठीक है स्टूडेंट, देखो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि ये कहा कि ये जो है ये क्या है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है. थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्यों है, इस बात को समझो. पहले बात आप ये समझो, यहां पे आपको ये समझ में आता है कि सर अगर अगर हमारे पास आरईआर 1 है, अगर हमारे पास आरईआर कितना है, 1 है, इन दिस केस जो हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा बेसिकली एक तरीके से क्या हो गया, नॉमिनल एक्सचेंज रेट इस केस में हमारे पास क्या आ गया था, ऑलमोस्ट हाफ हो गया. पहले वो कितना था, 60 था, और अब कितना हो जाएगा, अब वो हाफ हो गया. तो जब आपके पास रियल एक्सचेंज रेट 1 होगा उस केस में एनईआर डिनोट करेगा, डिनोट्स दैट करेंसीज ऑफ सेम परचेजिंग पावर. राइट, अब क्या डिनोट करेगा कि अब जो करेंसीज है उनकी क्या है सर, उनकी सेम परचेजिंग पावर है. कैसे, आपको कैसे समझ नहीं आया, देखो पहले $1 को स्पेंड करके, पहले जब 60 रुपीज स्पेंड करके इंडिया में कितने मिल रहे हैं, 3 प्लेट. ठीक है, लेकिन वो दैट वर्थ दैट वॉज इक्वल टू $1 and by spending your $1 you were having only 1 plate. मतलब आपकी जो purchasing power थी same नहीं थी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप 3 units ले पा रहे थे, यहाँ पे 1 unit ले पा रहे हो. लेकिन अब जब आपका RER 1 हो गया है तो यहाँ पे students क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास purchasing power same हो गई. By spending your rupee 30 in India you are having what, you are having 1 plate of players and which is equivalent to rupee 30. Well, rupee 30 is equivalent to $1 and by spending your $1 you are having same number of goods or same number of basket of goods in USA. So that means jab aapka RER 1 hoga us case mein jo NER hoga wo kya show karega, that both the countries, both the currencies have same purchasing power. So it's in economics is particular concept ko kya kehte hain, ise kehte hain law of one price. ओके, इकोनॉमिक्स में से हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में से कहा जाता है लॉ ऑफ वन प्राइस. ओके, होपफुली स्टूडेंट ये बात भी आपको समझ में आई होगी कि लॉ ऑफ वन प्राइस क्या है. ठीक है, तो इन थ्योरेटिकल सेंस इस तरीके से आप रियल एक्सचेंज रेट के बेसिस पे स्टूडेंट क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आप नॉमिनल एक्सचेंज रेट कैलकुलेट कर सकते हैं. अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. वाय थ्योरेटिकल, सो यहां पर यह चीज दिखा रहा है दैट डॉलर इज डिमांडिंग रुपीज, डॉलर इज डिमांडिंग रुपीज टू ट्रेड ऑफ गुड्स. यहां पे दिखाया भाई, आप समझ सकते हो, मैंने आपको उसी टाइम ये बोलता, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोलता कि ऑब्वियसली बात है मोमोज को एक्सचेंज नहीं करता, ये एग्जांपल था. आप मोमोज की जगह क्या मान लो, मोमोज की जगह वॉच मान लो, वॉच तो खरीद सकते हो मोमोज, ऑफकोर्स ये बात है आप खरीद के अपने देश में नहीं लाना चाहोगे भाई, जब तक आइए खराब हो जाएंगे. तो मैंने कहा ना उस चीज को छोड़ दो, आपको मोमोज समझ नहीं आते थे, आप वहां पर वॉच पुट कर लेते, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप वॉच लेके चल रहे हो मोमोज, वो एक समझाने का कॉन्सेप्ट था. तो ये कॉन्सेप्ट हमें ये शो कर रहा है कि जो डॉलर है दे आर डिमांडिंग रुपी, डॉलर रुपी की डिमांड कर रहे हैं. किस लिए डॉलर रुपी की डिमांड कर रहे हैं, जस्ट टू ट्रेड, क्योंकि यहां पर एक ट्रेड हो रहा है, दे आर यूएसए स्पेंडिंग द डॉलर टू बाय सम गुड्स एंड सर्विसेज. बट स्टूडेंट्स इन रियल सेंस, अगर मैं रियल इकोनॉमिक सेंस की बात करूं तो रियल इकोनॉमिक सेंस के अंदर जो डिमांड फॉर करेंसी है स्टूडेंट, रियल इकोनॉमिक सेंस में अगर डिमांड फॉर, मैं रुपी की ही बात करूं आपसे कि रुपी की डिमांड क्यों की जाएगी, रुपी की डिमांड सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं की जाएगी बट टू किसके लिए भी की जाएगी स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए भी की जाएगी. आप समझते हैं ना, जो इन्वेस्टर they just want to earn money. अगर उनको ये दिखाई देगा कि भाई इंडियन करेंसी इज गोइंग डाउन, ठीक है, इंडियन करेंसी डाउन जा रही है इन टर्म्स ऑफ यूएसए,
ठीक है, तो इसका मतलब है नाउ दैट डॉलर कैन बाय मोर नंबर ऑफ थिंग्स, दैट मींस उनको इन्वेस्टमेंट्स और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएंगी, तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा आप रुपए की डिमांड टूरिज्म के लिए भी कर रहे होते हैं, इन रियल प्रैक्टिस ऐसा भी होता है, वो लोग यहाँ पे टूरिस्ट पर्पज से भी आते हैं, तो मतलब रियल सेंस में। और स्टूडेंट स्पेक्युलेशन भी होता है, स्पेक्युलेशन क्या होता है, स्पेक्युलेशन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया भी था, जहां पे आप मनी इन्वेस्ट करके मनी अर्न करना चाहते हैं, ठीक है, मनी इन्वेस्ट करके जैसे शेयर मार्केट है तो लोग करेंसी को अपने पास होल्ड करते हैं, ठीक है, सो दैट जब इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो बेच सके। तो इन रियल पिक्चर, रियल इकोनॉमिक सेंस स्टूडेंट्स क्या होता है, रियल इकोनॉमिक सेंस में आप जो डिमांड करते हो रुपी की, मतलब जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स, जो फॉरेन के लोग हैं, रेजिडेंट्स है, वो डिमांड करते हैं रुपी की, वो बहुत सारे मल्टीपर्पज के लिए करते हैं। तो वो जो मल्टीपर्पज की वजह से वो डिमांड कर रहे होते हैं स्टूडेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी की वजह से रियल एक्सचेंज रेट बहुत मुश्किल ही डिफाइन कर सकता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट को। इसीलिए स्टूडेंट जो एक्सचेंज रेट का डिटरमिनेशन है, दैट इज लेफ्ट टू द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, वो हमने मार्केट फोर्सेस पे छोड़ रखा है कि मार्केट फोर्सेस में किस अकॉर्डिंगली आपकी डिमांड रहेगी और किस अकॉर्डिंगली आपकी सप्लाई रहेगी, वो डिपेंड कर देगा, वो डिसाइड कर देगा, वो डिटरमिन कर देगा आपके एक्सचेंज रेट को। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था कि कंसिडर योर डॉलर और एनी करेंसी एज वॉट, कंसिडर योर डॉलर और एनी करेंसी एज अ कमोडिटी, मीन्स अ गुड और सर्विस। तो जब मैं गुड और सर्विस की बात कर रहा हूं, तो ये आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पे लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि माइक्रो में क्या पढ़ा था आपने, सर माइक्रो में आपने ये पढ़ा था कि जब हम किसी भी गुड के डिटरमिन, किसी भी गुड को रेट को डिटरमिन करना चाहते हैं, तो हम हेल्प लेते हैं उसके डिमांड और सप्लाई के कर्व्स की, कि क्या उसका डिमांड कर्व है और क्या उसका सप्लाई कर्व है, उन दोनों के बेसिस पे, उनके इंटरसेक्शन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, करेंसी को डिटरमिन कर पाते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया रियल एक्सचेंज रेट का और नॉमिनल एक्सचेंज रेट का।